सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर लुक स्टाइल। और आज के इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ हाउ टू फिल योर आईब्रोज फॉर अ बिगनर। ये ट्यूटोरियल बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो आप इस वीडियो को पूरा देखें कि कैसे आईब्रोज को फिल किया जाता है। मैं पूरा स्टार्टिंग से बताऊँगी सारी चीज़ें विद इन फुल डिटेल। मैं चाहती तो इसका शॉर्ट्स बना सकती थी, शॉर्ट्स भी बनाऊँगी, बट मुझे लगा कि डिटेलिंग वीडियो देनी ज़रूरी है फॉर बिगनर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो यहाँ पे मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का ब्रो किट, आईब्रो किट। ये फुल किट के साथ में आता है। इसमें आपको प्लकर भी मिलता है, जो कि आप देख सकते हो प्लकर है, और फिर आपको एक स्पूली ब्रश मिलती है एक साइड, और एक साइड आपको वो एंगुलर ब्रश मिलता है जिससे आप अपने आईब्रोज की शेपिंग कर सकते हो। अगर आपके पास ये ब्रो किट नहीं है तो डोंट वरी, आप नेचुरल रेगुलर आईब्रो पेंसिल से भी कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि एक स्पूली लेना है और ब्रश करना है अपने आईब्रोज को, जैसे कि मैं ब्रश कर रही हूँ अब ऊपर की तरफ। मेरे में ये स्पूली मिला हुआ था तो मुझे और किसी भी अलग से ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके पास अलग से स्पूली है तो आप लेके उसको ब्रश कर सकते हो, या किसी भी ब्रश से अपने आईब्रोज को ब्रश कर सकते हो अपर साइड में। उसके बाद आपको एक एंगुलर ब्रश लेना है और आईब्रो फिलिंग के लिए, या फिर अब आपके पास अगर होगा आईब्रो पेंसिल तो ठीक है, ऐसे ही आप शेप दीजिए इस तरह की से मैं दे रही हूँ, आप देख सकते हो ऐसे आईब्रो की शेपिंग करनी है। अगर आपकी आईब्रोज बनी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं बनी हुई है तो आप अपने आईब्रोज की ऐसे शेपिंग कर दें, बाकी बचे हुए एक्सेस बाल को प्लकर से रिमूव कर दें। तो आप देख सकते हो कि मेरी आईब्रोज थोड़ी पॉइंटेड शेप में है, तो अपने आईब्रोज की शेपिंग में पॉइंटेड वे में कर रही हूँ। आईब्रोज शेपिंग के बाद अपर शेविंग भी मुझे देनी है, तो आप देख सकते हो आपके आईब्रोज जिस शेप में हो गाइस, आप उसी शेप में अपने आईब्रोज को शेप करें। और उसके बाद मैं फिल करूँगी अपने आईब्रोज को अपर करके, देख सकते हो अपर साइड में आपकी आईब्रोज के जो भी बाल जिस साइड में गए होंगे ना, आपको ठीक उसी साइड में फिलिंग करनी है। तो मैं फिल कर रही हूँ पहले, और फिल करने के बाद आप एक स्पूली की ब्रश से उसको अच्छे तरीके से ब्रश कर दें। स्पूली से ब्रश करने से क्या होता है ना कि आपके जितने भी फिलिंग्स हैं ना, वो बहुत ही न्यूट्रल हो जाता है, इक्वल हो जाता है हर जगह, कहीं कहीं ज़्यादा कहीं कहीं कम नहीं लगता है। और मैंने एंड ऑफ कॉर्नर में अपने आईब्रोज़ की फिलिंग नहीं करी है, इसलिए नहीं करी है क्योंकि वहाँ पर हमेशा हमें लाइट कलर से फिल करना होता है। आपके जो एंड ब्रोज होते हैं वहाँ हमेशा डार्क करें, और जो स्टार्टिंग के ब्रोज होते हैं ना वहाँ पे हमेशा लाइट कलर फिल करना चाहिए। इससे आपकी आईब्रोज की नेचुरल शेपिंग दिखती है। तो देख सकते हो आप, मैंने यहाँ बहुत ही लाइट कलर फिल किया है। सो हियर इट कम्स, बोथ द आईब्रोज डिफरेंसेस। और इसके बाद इसी में आपको एक कंसीलर कह लो, क्लीनर कर लो, जो भी बोल लो आप, जहाँ जहाँ पे एक्सेस लग जाता है ना, इसको एक एंगुलर ब्रश में लेके शेप दे दोगे तो वहाँ से एकदम क्लीन होके और बहुत ही नीट शेप बन जाती है आपके आईब्रोज की। ये कंसीलर है, आपके पास अगर ये किट नहीं है तो आप कंसीलर की हेल्प से भी क्लीन कर सकते हो अपने आईब्रोज की शेपिंग को। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने अपने आईब्रोज की शेपिंग्स को क्लीन कर लिया है, और आप डिफरेंसेस देख सकते हो मेरे बोथ द आईब्रोज में, कितना डिफरेंस आ गया आईब्रोज फिल करने के बाद।